हेलो एवरीवन, मैं सर पुलकी शर्मा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेल एंड अजमेर। तो मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि मॉपअप राउंड की कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। तो मैंने आपको 8 मार्च के दिन एक वीडियो बना के बताया था कि आपकी मॉपअप राउंड की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था जनरल कैटेगरी की आपकी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की 19,000 से लेकर 20,000 तक जाएगी। और अगर आप बात करो एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की 1,20,000 और एससी कैटेगरी की 1,00,000 के आसपास मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। तो अब अपन देख लेते हैं एक्चुअलिटी में कट ऑफ गई कितनी है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करें तो 19,207 इस पर आपको लास्ट कॉलेज मिला है यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 19,232 19,232 पे आपको लास्ट कॉलेज मिला है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 19,594 19,594 में आपको लास्ट कॉलेज मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी की बात करें तो 99,542 99,542 रैंक पे आपको लास्ट कॉलेज मिला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,20,806 ठीक है, इस पे आपको लास्ट कॉलेज मिला है। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ गई है। तो जिन सभी लोगों को एमबीबीएस की सीट मिली है, आज कहीं पे भी मिली हो, तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसको थोड़ा दूर मिला है तो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सभी एमबीबीएस की कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम होती हैं, आप कहीं से भी एमबीबीएस करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एज सच। तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, जिसके लिए भी आपको पार्टिसिपेट करना है। जिनको अभी तक तो कॉलेज नहीं मिला है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहाँ तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्टेट के आपके मॉपअप राउंड बाकी है, उनमें आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये लास्ट राउंड होंगे। इस महीने के एंड तक आपकी सारी काउंसलिंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, तो आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है जिन लोगों को अभी तक तो कॉलेज नहीं मिला। बाकी इस चैनल पे मैं एमबीबीएस से रिगार्डिंग कंटेंट और जो लोग नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, उसके रिगार्डिंग भी कंटेंट मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, वो भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैं बात करूँ जो लोग नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन इसी महीने ले लीजिए, क्योंकि आपकी नेक्स्ट मंथ से सब्सक्रिप्शन की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अगले महीने से आपके सब्सक्रिप्शन की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अनअकैडमी के जरिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद में आप बहुत सारे टीचर जितने भी अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी भी बैच में किसी भी क्लास में आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा एक्सेस मिलता है ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन का। जितने भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस दौरान आपको पूरा एक्सेस मिलता है। आप किसी भी क्लास में जाके कोई भी बैच में क्लासेस ले सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली, अगर आपके दिमाग में है तैयारी करने का अच्छे तरीके से नीट यूजी 2022 के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। इसके अलावा आपको कौन सा कोड यूज़ करना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, PULKIT10 PULKIT10 कोड यूज़ करके आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे सब्सक्रिप्शन लेने का, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मैं मंथ के एंड होने के बाद में अप्रैल से आपके सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाई हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।